नमस्कार, मैं हूं प्रियांक सौरभ और आप देख रहे हैं बिहारी डॉट न्यूज। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बिहार के पटना के रहने वाले महान समाज सेवी मुकेश हिसारिया जी मौजूद हैं। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बेहद नाम कमाया है और दो वर्ष 2013 में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आज हम उनसे करेंगे खास बातचीत और जानेंगे उनके बारे में विशेष। नमस्कार मुकेश हिसारिया जी, आपका स्वागत है बिहारी डॉट न्यूज में। और सबसे पहले आज आपसे हम KBC से ही सवाल शुरू करते हैं, मतलब आज के युवा कौन बनेगा करोड़पति में जाने के लिए आज भी दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं और वो बार बार तरह तरह की तैयारियां करते कि वहां तक पहुंचे, लेकिन आप एक झटके में वहां तक पहुंचे। आपने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ मंच भी साझा किया, उनसे बातचीत भी की, कैसे ये पॉसिबल हुआ? सबसे पहले बिहारी न्यूज़ के दर्शकों को धन्यवाद, आपने इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए मुझे बुलाया है। और आज जब मैं यहाँ मौजूद हूँ, आपने ये जो सवाल किया है, हर आदमी का सपना होता है बिग बी से मिलने का, तो हम लोग के पास ऐसा कोई सपना नहीं था। समाज सेवा हम लोग सिर्फ अपने शौक़ के लिए कर रहे थे। और 2013 में हम लोगों के पास सिद्धार्थ वासु सर ने हम लोग को इनवाइट किया था गेस्ट ऑडियंस के रूप में, और हम लोग पूरी टीम के हिसाब से, हम लोग 250 लोगों का एक ग्रुप है माँ वैष्णो देवी सेवा समिति, उस ग्रुप के माध्यम से लगभग हम लोग 20 लोग गए थे। और उस KBC के उस 2013 के 29वें एपिसोड में हम लोग को जाने का मौका मिला था। 29 अक्टूबर 2013 को ये शूटिंग हुई थी और नवंबर में इसका प्रसारण हुआ था। उस दिन कार्यक्रम समाप्त होने के कार्यक्रम के बीच में भी बिग बी ने लाइव लोगों से मतलब परिचय करवाया था हम लोगों का, पूरे देश के लोगों को से। और लास्ट में कार्यक्रम के अंत में लगभग 15 मिनट तक वो स्टेज पे बुला के हम लोग से बातचीत करते रहे थे। हम लोग के कार्यक्रम के बारे में समझ रहे थे कि आप लोग 51 जोड़ों की शादी कैसे करते हैं, आप लोग जो ब्लड डोनेशन का काम करते हैं उसमें कैसे आपके पास ज़रूरतमंद आप तक कैसे पहुंचते हैं, और जो देना चाहते हैं वो आप तक कैसे पहुंचते हैं, और दोनों को आप जोड़ते कैसे हैं। तो ये बस ये समाज सेवा के दम पे ये मौका मिला था। मुकेश जी, ये माँ वैष्णो देवी सेवा समिति क्या है और ये किस तरीके से काम करती है? 1991 में हमको अपनी माँ को लेकर वेलोर जाना पड़ा था ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पर लगभग 1.5 महीने हमको रहना पड़ा था। उस समय पहली बार हमको सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी का एहसास हुआ था। लगभग 1.5 महीने तक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वेलोर में मुझे रहने का मौका मिला था। वहाँ पे लगभग कई लोगों को मैंने ब्लड की कमी की वजह से मरते देखा था, और वहाँ पे हम लोगों ने फिर आपस में डिस्कस करके, जो जिस धर्मशाला में हम लोग रहते थे वहाँ पे इस मैसेज को हम लोग शेयर करना चालू किए। जो पटना उस समय पब्लिक टेलीफोन बूथ का ज़माना था, हम लोग वहाँ पे बैठते थे और जो ज़रूरतमंद आते थे आपस में उसी में से निकाल के हम लोग लोगों को जोड़ते थे। और लगभग 1.5 महीने में 10 से 12 लोगों की जिंदगियां हम लोग ने आपस में ब्लड डोनेशन से बचाई थी। उसका जब पटना आ गए थे, पटना आने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि इसको और विस्तारित कैसे करना है। उसी समय 2006 में आज की तरह फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह एक सोशल साइट्स ऑर्कुट थे, ऑर्कुट पर हम लोगों ने पहली बार ब्लड डोनेशन का पोस्ट डाला था। हम लोग सोच रहे थे कि इसको और कैसे आगे बढ़ाना है, तो 2009 में हम लोगों ने 3 दोस्तों में मिलकर ये माँ वैष्णो देवी सेवा समिति का गठन किया। और अक्टूबर का महीना था, उस शुक्रवार का दिन था, अगले दिन हम लोगों ने अखबार में देखा था आग ने खाक कर दिए शादी के सपने। लगभग 16 शादियाँ एक साथ कैंसिल हुई थी। मुकेश जी, आपने अभी अपने माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के माध्यम से कहा कि ब्लड बैंक की आपने शुरुआत की, ब्लड बैंक से जुड़े कामों को आपने किया। आपने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेहद चर्चित जो कार्यक्रम है लोक संवाद कार्यक्रम में ब्लड बैंक से जुड़े कुछ मुद्दे को उनके सामने साझा किया, कुछ कार्यक्रम के बारे में उनको बताया, तो आखिर वो ऐसा क्या था योजना जिनको आपने मुख्यमंत्री से शेयर किया और उन्होंने बहुत ही गंभीरता से उस चीज़ को सुना था, क्या आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? सरकार सारी चीज़ें नहीं कर सकती हैं, सरकार को हम लोग जैसे हर आदमी का साथ होना चाहिए। हम लोग हर चीज़ कहेंगे सरकार ही करेगी तो उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। 1991 से ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में कार्य करने के दौरान इतने दिनों के अपने एक्सपीरियंस में हम लोगों को कई जगह मतलब ऐसी गलती नजर आई जो हम लोग को लगा कि हम लोग सुझाव के रूप में अगर मुख्यमंत्री जी के सामने रखे हैं तो उसका समाधान सरकार के लिए काम करना आसान हो जाएगा अगर उनका समाधान हो। तो सब सुझावों को लेकर पहली बार 18 सितंबर 2017 को पहले लोक संवाद में मुख्यमंत्री जी ने हमको बुलाया था। वहाँ हम लोगों ने 10 सुझाव उनको दिए थे, 10 में 10ों पे बहुत तेज़ी से कार्रवाई हुई और कम से कम 25-30% ब्लड बैंक की स्थिति में सुधार हो गया। फिर अभी 16 जुलाई को दोबारा हम लोगों ने 6
बिंदुओं पे उनका ध्यान आकृष्ट कराया, बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी और पूरी बिहार सरकार इसको गंभीरता से लेकर इस पर कार्रवाई करके बिहार में ब्लड बैंक की दिशा और दशा दोनों बदलने में प्रयत्नशील रहेगी। सरकार का इसमें कैसा मतलब ये रहा कि वो इसमें हम मामले में किसी तरह का कदम अभी तक उठाए हैं या अभी बस ये विचारशील ही हैं अभी तक? नहीं, 2017 में हम लोगों ने सरकार का ध्यान दिलाया था कि बिहार में 39 सरकारी ब्लड बैंक है, उसमें एक में भी एफआरएसएस मशीन नहीं है। एफआरएसएस एक मशीन होती है जिसके द्वारा सिर्फ प्लेटलेट शरीर से निकाला जाता है और सिर्फ एक निजी हॉस्पिटल में उस समय ये मशीन थी। हमने सरकार का ध्यान दिलाया और वो मशीन नवंबर में सरकार ने परचेज की आईजीएमएस में, अभी जून से उसका ट्रायल चालू हो गया। तो पहला तो ये कदम हुआ। दूसरा, उसी साल हम लोगों ने सरकार को कहा था कि साइट अपग्रेड करें, जो भी रोगी हैं उनको कम से कम बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल की साइट पे पता चल जाए कि किस ब्लड बैंक में कितना यूनिट कौन ग्रुप का ब्लड है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है। सरकार ने उसको 24 घंटे के अंदर इसको क्रियान्वित कर दिया। आपने जो प्लाज्मा की चर्चा किया है, ब्लड डोनेट के मतलब ये जो रक्त से संबंधित बात की है, तो आपने एक बार ये भी साझा किया था मुख्यमंत्री इस बार मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि F8 फैक्टर जो हीमोफीलिया के इलाज के लिए जो ज़रूरत है वो हमें विदेशों से मंगवाने पड़ते हैं, जो दो कंपनी वहाँ से इसको भेजती है और जिसके लिए गरीब रोगियों को बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं और वो कहीं ना कहीं प्लाज्मा से ही वो शायद उसका निर्माण होता है। तो इस मामले में आपने कहा था, ये क्या था? ये सबसे पहले आपको करेक्ट कर देते हैं कि जैसे हम लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं उसको 3 हिस्से में बांटा जाता है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और PRBC। तो जो प्लाज्मा जो है ये बहुत कम खपत होती है इसकी, ये जले हुए पेशेंट में, डायलिसिस के पेशेंट में और हेमोफीलिया के पेशेंट में ये प्लाज्मा का यूज होता है। और यहाँ से क्या होता है, जो प्लाज्मा बचता है देश की दो बड़ी कंपनियाँ इसको परचेज करती हैं, उससे ये लोग फैक्टर 8 बनाते हैं। हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून बनाने की मशीन ख़राब हो जाती है और पेशेंट को हर महीने 2 महीने में ये फैक्टर 8 की ज़रूरत होती है। जो दो कंपनियाँ हैं वो यहाँ से प्लाज्मा परचेज करके उससे फैक्टर 8 बना के वो बजाय हमारे पेशेंट को देने के अच्छे कीमत पे ये लोग विदेश में भेज देते हैं। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से सुझाव ये था कि अगर हम बिहार से प्लाज्मा अगर बेचते हैं तो हम कंपनियों को बोले कि हमारे यहाँ सिर्फ 1200 पेशेंट हैं, 10-20 हज़ार पेशेंट नहीं है, सिर्फ 1200 पेशेंट हैं, हम प्लाज्मा के बदले उनसे वाटर करें। हम सरकार को, हम लोगों ने बताया कि हम लोग प्लाज्मा देने के बदले उनके साथ शर्त लगा दें कि अगर आप प्लाज्मा तभी देंगे जब हमारे गरीब पेशेंट को आप फैक्टर 8 देंगे। अमीरों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अमीर 5000 रुपये में खरीद सकता है, गरीबों के लिए 2-2.5 हज़ार रुपये देना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, हाल ही में आपकी जो संस्था है माँ वैष्णो देवी सेवा समिति, उसके माध्यम से आपने एक विवाह ऐसा भी करके कार्यक्रम चलाया और इससे पूर्व भी आपने शायद चलाया है, हमने सुना है, और उसमें 51 जोड़ों की शादी करवाई है। सामूहिक शादी का यह आइडिया आपको कहाँ से आया? 2009 में अक्टूबर में एक अखबार में कटिंग आई थी, आग ने खाक कर दिए शादी के सपने। तो राजा पकड़ वैशाली की ये घटना थी, हम लोग अगले दिन उस गांव में गए, वहाँ आग लगी की वजह से 16 शादियाँ कैंसिल हुई थी। वहाँ हम लोगों ने लोगों के दर्द को देखा, लड़कियों जिनका सामान जला था उनसे मिले, दिन भर हम लोग बैठे और वहाँ से 5 जोड़ों की शादी का कार्यक्रम हम लोगों ने पटना में तय किया। और उस समय से जो सिलसिला चला, हर साल हम लोग 51 शादी का कार्यक्रम ये पटना में कर रहे हैं। इस साल 15 जुलाई को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के अंतर्गत अभी 9वां संस्करण हुआ और अभी तक 438 शादियों का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। बेहद उमदा कार्य कर रहे हैं आप, काफ़ी काबिले तारीफ हैं। हालांकि दहेज लोभी इस समाज में आज भी मुकेश हिसारिया जी एक दहेज रहित शादी करवा रहे हैं, आखिर इस चीज़ के लिए आप जोड़ों को कैसे तैयार करते हैं? लड़कियों की शादी के लिए जो वर ढूंढने का काम होता है, तो ये दहेज रहित शादी, दहेज के बिना शादी के लिए उन्हें कैसे तैयार करते हैं? सबसे पहले तो 2 जून की रोटी का जिनके अभाव है, जिनके यहाँ बच्चियाँ हैं जो शादी के नहीं करने की स्थिति में है, जिनके फादर मदर नहीं हैं, हम लोग सबसे पहले उनको चिन्हित करते हैं। और उनके अगर फादर मदर नहीं है तो उनके जो लीगल गार्जियन हैं उनको बोलते हैं कि आप सिर्फ लड़का खोज लें, लड़का खोज कर हम तक आ जाएं।
ये जून जुलाई में ये शादी का कार्यक्रम हर साल होता है। हम लोग जनवरी से पूरे बिहार में सामुदायिक भवन पे, मंदिरों पे हम लोग एक बैनर लगाते हैं, जिसके जरिए हम लोग लड़की वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लड़का खोज के हम तक आ जाए। तो ये सिलसिला वहाँ से जो जनवरी से शुरू होता है और जाके मई तक हम लोग कम्प्लीट कर पाते हैं। इस बार हम लोग के पास लगभग 160 फॉर्म आया था, 160 में हम लोगों ने जो स्क्रूटनी किया, स्क्रूटनी के बाद हम लोगों ने 51 बेहद ज़रूरतमंद लोगों को इस शादी में जगह दी। तो क्या इसमें सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का योगदान मिलता है या सिर्फ और सिर्फ आपकी संस्था इसका पूरा खर्चा? सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम लोग बताते हैं कि हम लोग कहीं से किसी से भी जी, किसी भी सरकारी या किसी भी एनजीओ या किसी भी मतलब लोगों से हम लोग चंदा चिट्ठा इकट्ठा नहीं करते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। हम लोग आपस में जो शहर के लोग हैं, जो निस्वार्थ भाव से खुद आके देते हैं, उन्हीं का पार्टिसिपेशन होता है। आपको एक चीज़ और जानकर आश्चर्य होगा, यहाँ पे जिनकी हैसियत जीरो है उनका भी श्रमदान होता है, और जो मतलब हर रूप से लोग सहयोग करते हैं, एक विचार से लोग सहयोग कर दिए, सुझाव से सहयोग कर दिए, श्रम से सहयोग कर दिए, सामान से सहयोग कर दिए, मतलब यहाँ पे आपको हर तरह के लोगों का सहयोग होता तभी ऐसा शादी का कार्यक्रम होता। और रहा सरकार की बात, सरकार से सिर्फ हम लोग सुरक्षा और सरकार से बाकी चीज़ें हम लोग लेते हैं, डोनेशन के नाम पर हम लोग सरकार से कुछ भी नहीं लेते हैं, ना हमने मांगा ना सरकार ने दिया। इस दौरान आप बिहार से जो चर्चित बिहार के जो कुछ होनहार व्यक्तियों को, जो जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है, उन्हें सम्मानित भी करते हैं, जिस इस बार हमने देखा और राज्यपाल भी उस मौके पर उपस्थित थे। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर काम जरूर कर रहे हैं और समाज को एक बेहतर दिशा निर्देश देने का भी काम कर रहे हैं, एक बेहतर सीख देने का भी काम कर रहे हैं। आज के युवा आपकी इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं और किस प्रक्रिया से वो जुड़ सकते हैं? आज के युवा के बल पे ही हम लोग आज इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं जी। आज हम लोग ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं, जरूरतमंदों तक ब्लड पहुंचा रहे हैं, सोशल साइट्स के माध्यम से डोनर जा रहे हैं। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरे पटना के युवाओं के बल पर हम लोगों ने 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर सिल्क्रेस मेमोरियल हॉल में अब तक का बिहार का एक ही स्थान पर सबसे बड़ा ब्लड कैंप किया, जिसमें 301 यूनिट ब्लड इकट्ठा करके हम लोगों ने बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल जहां ब्लड की सबसे ज़्यादा खपत होती है, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हम लोगों ने जमा किया और वो ज़रूरतमंदों के काम आया। अभी हम लोग 1 अक्टूबर को भारतीय ब्लड डोनर्स डे कहा जाता है, उस दिन हम लोग एक बार फिर से सारे युवाओं के बल पर अब तक का सबसे बड़ा कैंप करने का प्रयास करेंगे। रिकॉर्ड बनाना मकसद नहीं है, हम लोग बड़ा कैंप इसलिए बोल रहे हैं कि सारे युवाओं को हम लोग इकट्ठा करके ज़रूरतमंदों के काम आएंगे। चलिए, मुकेश खिसारिया जी से मिलने के लिए बॉलीवुड के भी कई लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, जैसा कि हमने सुना है अमिताभ बच्चन के साथ साथ इन्होंने कई बड़े बड़े अभिनेताओं से मुलाकात की, कई बड़े टीवी शोज में इन्होंने शिरकत किया है, ऐसे कुछ चर्चा कीजिए उनके बारे में। जिनके फरवरी 2016 में किंग खान ने फैन पिक्चर के प्रमोशन में हमको बॉम्बे बुलाया था, जिनकी रेड चिली इंटरटेनमेंट की टीम ने हमको यहाँ से आने जाने का सब साधन दिया था, वहाँ ठहरने की व्यवस्था दी थी। वहाँ जाने के बाद वहाँ 10 लोगों का, पूरे भारत से लोगों का चयन हुआ था, और वहाँ जाने के बाद 9 लोग जो स्टेज पर गए, सब लोग किंग खान को पकड़ रहे थे स्टेज पर आने पर, हम लोगों ने सिंपली सेकेंड हैंड किया, तो उन्होंने कहा कि आप लगता है फ़ोटो खिंचाने नहीं आए, तो हमने भी कहा कि हाँ हम फोटो खिंचाने नहीं आए हैं। अनायास मेरे मुंह से निकला, सोच के गए नहीं थे। अगला सवाल था उनका कि आप किसके फ़ैन हैं, तो मेरे मुंह से निकला मैं ब्लड डोनेशन का फ़ैन हूँ। तो बोले मैं ब्लड डोनेशन के लिए क्या कर सकता हूँ, हम क्या आप एक जागरूकता संदेश दे सकते हैं। उन्होंने उस मंच से पूरे संसार के लिए एक ब्लड डोनेशन पर एक जागरूकता संदेश दिया। इसी तरह कपिल शर्मा के शो में जून 2017 में जाने का मौका मिला था, वहाँ मैंने कपिल जी से कहा था कि आप ब्लड डोनेशन पे जागरूकता संदेश दें, उस मंच से उन्होंने भी जागरूकता संदेश दिया था। आप हमारे दर्शकों को इस मामले में क्या कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं ताकि वो भी ब्लड डोनेट करने के लिए तत्पर हो सके और आपकी तरह समाज सेवा में अग्रसर हो सके? वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया, हर चीज़ का कृत्रिम रूप तैयार कर लिया। ब्लड एक ऐसा चीज़ है जिसका आज तक हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं खोज पाए, और ये हमसे और आपसे और सभी लोगों के द्वारा ही ज़रूरतमंदों की तक पहुँचा सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। हम लोग आज ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड देने से कुछ भी अपना शरीर का नुकसान होता है, एक चीज़ हम लोग को जीते जी रक्तदान करना चाहिए
और मरणोपरांत नेत्रदान और अंगदान के बारे में सोचना चाहिए। ब्लड डोनेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आपका खून किसी दूसरे के रगों में बहकर उसको नई जिंदगी प्रदान करेगा। और ब्लड देने से किसी भी तरह की, आपको दावे के साथ बताता हूँ, कोई हानि नहीं। 1991 में जब मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया था, अब तक 47 बार ब्लड देने के बाद भी, उस समय 40 किलो वजन था, आज 80 किलो वजन है। अगर जो लोग ये सोचते हैं कि ब्लड देने से अगर आदमी को नुकसान होता है, उसका वजन कम होता है, तो सबसे पहले तो मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। तो ब्लड दें, और हम लोग कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, हम लोग पैसे की थैली नहीं ले जाएंगे साथ में, हम लोग ले जाएंगे पुण्य की पोटली ही साथ में जाएगी। तो हमें रक्तदान को इसीलिए हम लोग महादान के श्रेणी में रखकर रक्तदान करने के लिए सबको बोलते हैं। ये थे मुकेश हिसारिया जी, जिन्होंने माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के माध्यम से समाज सेवा के काम करते हैं, और ये अक्सर अपने समाजसेवी कार्यों की वजह से चर्चा में रहते हैं, बिहार का नाम रोशन करते हैं, बिहार के पटना के रहने वाले। मैं एक बार फिर से इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ प्रियांक सौरभ, आप देख रहे थे bihari.news। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट bihari.news को विजिट करें। शुक्रिया।